गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर 8 लेक्चर 3 फॉर द क्लास 12 सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, टुडे वी विल नो अबाउट द लेंथ एंड बिकॉज देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज विच आर नियरली इक्वल. Okay, so we are going to start lanthanides. What are lanthanides? Lanthanides are, we can say, F block elements. क्या है ये? F block elements है. ठीक है, अब lanthanides में आपके पास दो series आती है, एक आती है 4F, एक आती है 5F. यानी electron enter F block क्यों है? क्योंकि last electron enter into F subshell. अब दो सीरीज है, वन इज 4F एंड अनदर इज 5F. 4F जो है उसको तो हम कहते हैं लेंथेनॉइड. ओके, और 5F वाली कहलाती है एक्टिनॉइड्स. ओके, ड्यू टू कोविड दिस ईयर बैच इज getting some advantage or we can say some disadvantage. Advantage is that कि उनको सिर्फ lanthanide ही पढ़ना है, तो जो कम पढ़ने में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उन्हें कम पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सोचें कि हमारा जो रह जा रहा है वो हम कैसे कम्प्लीट करेंगे. तो अभी हमको विदाउट डिस्कसिंग दिस हमें क्या पढ़ना है, lanthanides पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रॉन 4F में एंटर होगा. तो सबसे पहले देखिए lanthanide जो है उसका जो जनरल कॉन्फिग्रेशन है वो क्या है, n माइनस 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 N S 2. सबसे पहले आपको ये कॉन्फिग्रेशन लर्न होना चाहिए. ठीक है, यानी N जो है वो वैलेंस शेल है, उसके अंदर जो है जो पेनल्टी मेट शेल है, ये पेनल्टी मेट शेल था, ये मैंने डी ब्लॉक में बताया था, जो कि अंदर की साइड था, बिल्कुल सरफेस पे ये है, उसके बाद ये है, उसके भी अंदर ये हो गया एंटी पेनल्टी मेट शेल. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टी मेट शेल. अब हमें व्हेन वी थिंक, तो देखिए लैंथेनम से हम स्टार्ट कर रहे हैं. लैंथेनम इज 57 पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है नीचे की साइड सीरीज आती है, ये हमने 11th में पढ़ा था. तो पहले सबसे पहले आपको मैं ये लिख देती हूँ, लैंथेनम सीरियम प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमेथीनियम समेरियम यूरोपियम गैडोलीनियम टर्बियम. ठीक है, टर्बियम के बाद डिस्प्रोसियम होलियम इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम. ये अब आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. ठीक है, कौन कौन सा है देखिए, मतलब वो लैंथेनम सीरियम प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमेथियम समेरियम यूरोपियम. मैं नाम नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, प्रोमेथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलीनियम टर्बियम या ऑल्दो इट इज ए क्लास ऑफ इंग्लिश बट आपको सिंबल तो पता ही होना चाहिए, और सिंबल यदि आपको आता है तो नाम भी आ जाएगा. देखो, लैंथेनम सीरियम प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमेथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलीनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम होलियम थूलियम इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम. ठीक है, सिंबल्स आपको पता होना चाहिए. सिंबल्स यदि आपको सिंबल पता है तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप कॉन्फिगरेशन तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि आपको क्या नहीं आता, एटॉमिक नंबर प्रॉपर नहीं आता. ठीक है, इटर्बियम और ल्यूटेशियम. ओके, नाउ इट स्टार्ट्स 58 से. एफ सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सीरियम से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंथेनम को हम हर जगह जहां पर हम नीचे लिखते हैं लैंथेनाइड से यूज कर रहे हैं हर जगह. ठीक है, तो लैंथेनम तो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इट इज अ फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट. बट क्योंकि इसकी काफी कुछ प्रॉपर्टीज एफ से मिलती जुलती है, इसलिए हम लैंथेनम को साथ रख लेते हैं, बट स्टार्ट यहां से हो रही है. ठीक है,
तो ये 58 हो गया, ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70. ठीक है, 58 से सीरियम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, यूरोपियम का है 63, गैडोलिनियम, टर्बियम, टर्बियम का, देन डिस्ट्रोसियम, होलियम, इरिडियम. होलियम के बाद एक रह गया है आपका होलियम, होलियम के बाद है इरिडियम, इरिडियम वो है 68. यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा है, इसको सही कर लीजिए. इसीलिए मैंने नाम लिखे थे 68, 69, 70 या 71. ये आपको पता होना चाहिए. तो जो सीरीज है लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से है, 58 से 71 तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक है. सो यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ओके, ठीक है. अब आप देखो कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे. सीरियम सबसे पहले लिखेंगे जीनॉन. जीनॉन का कितना आता है, जीनॉन का आता है, ये कौन सी सीरीज है, 4F, F में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 4 में. ठीक है, तो अब आप देखिए पहले आएगा जीनॉन, जीनॉन के बाद आएगा 6S2, 6S के बाद आएगा 5D. ठीक है, और 5D के बाद आएगा, ठीक है, 5D और फिर आएगा 4F. ठीक है, मतलब ये मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, अलग तरीके से लिखा है, जिससे कि आप इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यदि आप बुक्स में देखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, 4F अंदर आएगा, मतलब डायग्राम तो ऐसे ही है, इट्स इन द राइट कि 4F इससे अंदर आता है, फिर 5D एंड देन 6. तो वैलेंस शेल तो ऑलवेज विल बी दिस. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उसको इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर आ रहा है, तो कैसे भी लिख लीजिए, बात एक ही है. ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए जीनॉन को लिखना होता है. जीनॉन का जो कॉन्फिगरेशन, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने होते हैं, 54 होते हैं. ठीक है, अब 54, ठीक है, तो अब सीरियम जो है, सीरियम में आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 एंड देखो 6s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है, एफ में एंटर हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. 6s तो पहले भर गया, उसके बाद डी पर है, उसके बाद एफ पर है. ठीक है, क्लियर. तो सीरियम का कॉन्फिगरेशन हो गया ये. ठीक, ये आपको लर्न करना है, सबसे पहले आपको सीरियम का लर्न करके रखना है. तो देखो 54, 55, 6, 7 और 8, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 58 हो गए. बस अब आपको फिर आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, देखो जीनॉन में ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से डी में हट जाएगा और इसमें कितने में आ जाएगा, 4F3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर उसके बाद जीनॉन, 6s2, 4f4, जीनॉन, 6s2, 4f5, जीनॉन, 6s2, 4f6, जीनॉन, 6s2, 5d1, 4f7. ठीक है, देखो जरा कितने होते हैं, 54, 55, 56, 57 और 7. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट, समझ में आ रहा है आपको. यहां पर अगेन डी में आ गया इलेक्ट्रॉन, क्लियर. फिर इसके बाद अब जीनॉन में कितना आएगा. ठीक है, अब जीनॉन का जब आप लिखेंगे टर्बियम के लिए, तो टर्बियम के लिए एफ फिर से कितना हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर जैसे ही हो जाएगा.
एक इलेक्ट्रॉन तो एंटर एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन छूट कर यहाँ चला जाएगा, तो ये नाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर जीनॉन 6s2 4f10, फिर जीनॉन 6s2 4f11, फिर 4f12, फिर 4f13 सिमिलर है। ठीक है, फिर 4f14 क्लियर, और लास्ट वाले में होगा जीनॉन 6s2 5d1 4f14। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ तीन एलिमेंट सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम, इनमें ही डी में इलेक्ट्रॉन गया है और किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। डायरेक्ट जीनॉन के बाद 6s2 तो फुल होगा, इसके बाद एफ में जा रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न है तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को धीरे धीरे लर्न करना शुरू करें, यदि आप हर दिन तीन तीन चार चार एलिमेंट में लर्न करते हैं सीक्वेंस में, ये चीज निकालना तो आसान है, ये तो आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले कि आप इसकी नेमिंग लर्न करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए जो लैंथेनाइड्स होते हैं, तो ये हो गया। अब लैंथेनाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि लैंथेनाइड जो है वो कौन सा, यदि हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मालूम करें। ठीक है, तो जो लैंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे, मतलब जनरल जो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। लेकिन इसके अलावा कुछ एलिमेंट है जो कि +2 और +4 भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कि यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, ठीक है, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो आप देखिए कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो +3 है, लेकिन +2 और +4 भी, इसका मतलब एक तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर F और D के बीच का जो F है और जो D है, ठीक है, F और जो D है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है वो क्या है, लार्ज। इसीलिए ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो बहुत सारी शो कर रहे थे क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस जो था वो बहुत कम था, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कोर तो है, लेकिन ये +2 और +4 भी मुश्किल से 4 एलिमेंट्स हैं जो कि शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे समेरियम शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो सीरियम है वो तो +4 शो करता है। ठीक है, सीरियम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन शो करता है खास तौर से ज्यादा, और +2 कौन सी, समेरियम +2 करता है, यूरोपियम +2 करता है। ठीक है, तो एनर्जी गैप जो है वो F और D के बीच का, F और D कौन कौन से हो गए, 4F और 5D के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लार्ज होने के कारण ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, फिर अब आप देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंथेनाइड में फिनोमिना है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था, देखो आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लेना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है स्मॉल, जो शब्द लिख रही हूं उसको बिल्कुल लर्न करके चलोगे, स्मॉल रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज ऑब्जर्व इन एटॉमिक रेडियाई, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है कि लैंथेनाइड से, यानी कि लैंथेनाइड जो स्टार्ट हो रही है आपकी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक स्टार्ट हो रही है लैंथेनम सीरीज। ठीक है, अब जब हम सीरियम से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जब हम जा रहे हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, तो हम देख रहे हैं कि रेडियस जो है वो कम हो रही है, इधर से इधर जाने पर कम हो रही है। ठीक है, कम तो हो रही है, तो कम तो एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन जो कम हो रही है वो बहुत कम है, स्मॉल, स्मॉल का मतलब बहुत कम रेडियस में फर्क है,
0.1, 0.2 का, और रेगुलर है। सबसे बड़ी बात क्या है, रेगुलर बट स्मॉल डिक्रीज है। तो इधर से इधर जाने पर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे कि हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन कह रहे हैं। देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन जब हमने लेंथेनम का पढ़ा था, जब हमने पीरियोडिक टेबल को देखा था, तो हमने देखा था कि यहां पर स्कैंडियम के नीचे था इट्रियम, इट्रियम के बाद था जिर्कोनियम, ठीक है, और नीचे था लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद आपके यहां पर फोरएक्स सीरीज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो लेंथेनम के बाद क्या होता है, 14 एलिमेंट आ जाते हैं। लेंथेनम के बाद पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट आ जाते हैं। तो देखो यहां पर दो इफेक्ट लगते हैं। पहला इफेक्ट तो क्या है कि क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। वैसे के लिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहे हैं, एफ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है, एफ में। तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज कितने का बढ़ा है, 32 इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ गया है यहां पर बीच में इस सीरीज में, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ गया, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, रेडियस कम होगी, ठीक है, रेडियस कम हो रही है। लेकिन साथ में दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, एफ में। अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको अभी जब डी ब्लॉक समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि एफ की जो शील्डिंग है वो कैसी है, पुअर है। यानी ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एस है, ये आपका डी है, ये आपका एफ है। एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, ठीक है, एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर होते चले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि एंटर हो रहे तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ रहा है उतना प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो फिक्स बढ़ रहा है, इससे रेडियस कम हो रहा है। अब एफ की जो शील्डिंग है वो कैसी है, पुअर है। तो मैंने आपको बताया था पुअर शील्डिंग का मतलब ये नहीं है कि ये शील्डिंग नहीं कर पाता, पुअर शील्डिंग का मतलब है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को कम शील्ड कर, पुअर का मतलब शील्ड कर तो पाता है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता। यदि मान लो यदि मैं यहां पर ये लिखूं कि ये शील्ड कर पाता, फॉर एग्जाम्पल, तो यदि ये शील्ड कर पाता क्योंकि बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को यदि शील्ड कर पाता तो क्या होता, रेडियस बढ़ जाती शील्ड के कारण, ठीक है ना। इसने क्या किया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड कर दिया, ठीक है, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आवेश से रक्षित कर दिया। रक्षित कब करेंगे, जब ये दूर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर शील्डिंग कैसी है, पुअर है। तो पुअर होने के कारण ये शील्ड करता तो है लेकिन उतना शील्ड नहीं कर पाता जितना कि करना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि पुअर शील्डिंग के कारण रेडियस कम तो होती है, मतलब रेडियस बढ़ती तो है लेकिन दोनों बिल्कुल बराबर नहीं हो पाते। ये थोड़ा क्या होता है, ये मतलब आप ऐसे मान के चलो कि ये तो रहता है 75, ये तो रहता है, यदि ये 100% है तो ये कितना है, ये 95% है। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 5% का। 5% क्या हो गई, रेडियस में कमी हो गई, समझ में आ रहा है। तो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है, मतलब शील्डिंग हो रही है लेकिन वो पुअर शील्डिंग है। तो दोनों जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को बिल्कुल काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते। इम्परफेक्ट शील्डिंग है, प्रॉपर शील्डिंग है, इसके कारण स्मॉल रेगुलर डिक्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन बता दिया, ऑक्सीडेशन बता दिया आपको। अब आप यहां पर देखिए, इसके बाद फिर आती है इसकी जो खास प्रॉपर्टी है, दैट इज कलर, ये कलर शो करते हैं। अब कलर यदि शो कर रहे हैं तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, एफ से एफ में होगा, जैसे डी से डी में हो रहा था ऐसे एफ से एफ में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफ से एफ में चले जाते हैं, ठीक। तो ट्रांजिशन कैसा हो गया, एफ एफ ट्रांजिशन हो गया। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादातर कैसे होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं सारे लैंथेनाइट्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि कोई रखता है तो वो कैसा, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, क्लियर, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज और देखिए कि जब हम कलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कलर में क्या है कि जिनके पास कुछ होंगे कलरलेस आयंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए गैडोलीन,
से ही मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। गैडोलिनियम प्लस थ्री, ठीक है। तो गैडोलिनियम प्लस थ्री का कॉन्फिगरेशन का तीन इलेक्ट्रॉन निकले, आप ऐसे देखिए ल्यूटेशियम, देखिए आप ल्यूटेशियम प्लस थ्री, ये ल्यूटेशियम का है, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन निकले, तो थ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, ठीक है, ओके। यही तो बैलेंस शेल है, बैलेंस शेल कौन सा है, 5d6s है। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, 14 का मतलब एफ कितने ऑर्बिट होते हैं, सात, सात में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 14 कंप्लीट। तो कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस, कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक भी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर। समझ में आ रहा है कि इफ अ कंपाउंड शो कलर, इट मींस इट हैज, इट मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि कोई भी आयन लैंथेनाइड का किसी भी स्टेट में कलर दिखा रहा है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक एफ से लोअर स्टेट से वो हायर स्टेट में विजिबल रीजन की लाइट को अब्सॉर्ब करके जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। यदि उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमें कलरलेस निकलेगा, ठीक है, वो आयन, क्लियर, ये हो गया। फिर इसमें आप देखिए, जब आप लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज और आती है, क्या, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपके लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है, इनके जो बेसिक कैरेक्टर है, एक क्वेश्चन यहां पे पूछता है वो, इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम होता चला जाता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, कम हो जाता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनाइड डिक्रीजेस। अब बेसिक कैरेक्टर को आप कैसे समझाएंगे, देखिए जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होने के लिए हम कैसे बताते हैं, इसके लिए हम देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियाई इज गोइंग टू स्मॉल, रेडियाई डिक्रीज हो रही है, क्या होता जा रहा है, रेडियाई कम हो रही है, यानी यहां पर रेडियाई ज्यादा थी, यहां पर रेडियाई कम है, ठीक है, रेडियाई कम हो गई। चार सबका सेम है, मान लो सब प्लस थ्री स्टेट में, ठीक है, तो आप देखिए फाई क्या होता है, क्यू अपॉन आर, फाई क्या है, चार्ज डेंसिटी, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, चार्ज डेंसिटी, चार तो सबका सेम है लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रेडियस कम हो रही है, एंड रेडियस इज गोइंग टू कम, चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज, और चार्ज डेंसिटी यदि इंक्रीज होगी तो इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोलराइजेशन के, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन कैपेसिटी, पोलराइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, अब पोलराइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर यदि ज्यादा आ जाएगा, कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम, पैजांस रूल पढ़ रहे हैं हम, पैजांस रूल से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये मैं, कि लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है तो फाई बढ़ रहा है, फाई बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, पोलराइजेशन कैपेसिटी बढ़ रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो व्हेन वी मूव, तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब कोई भी आप उसे वो दो हाइड्रोक्साइड दे सकता है, पूछ सकता है बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, क्यों, मान लो उसने ऐसा पूछ लिया सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, बेसिक देन, किसी से भी कह रहे, मान लो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड से पूछ लेता है, तो आपको ये रीजन बताना, तो बेसिक कैरेक्टर इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। इसके अलावा जो ये आपके लैंथेनाइड है काफी कुछ डी जैसा शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है, लेकिन डी के कंपैरिजन में कम करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इनकी जो, देखो इनका एक जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने इससे पहले जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डिपेंड्स अपॉन द टू टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड अनदर इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर देखो तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो क्या हो जाएगा, 4s s प्लस 1 प्लस l l प्लस 1, ये एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन, इन दोनों का सम होता है किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब डी ब्लॉक में तो क्या था, ये जीरो हो गया था क्योंकि वो सरफेस पर ही थे, सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहे थे, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच हो गया था। लेकिन यहां पर क्या होता है, एफ जो है वो कहां है, बहुत अंदर है। एफ जो ऑर्बिट्स हैं, एक तो पहली बात वो लार्ज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा एसपीडी की स्ट्रक्चर पता है बट एफ की स्ट्रक्चर नहीं पता, बट बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स। डिफ्यूज का मतलब बहुत बड़े होते हैं और डीपर होते हैं, डीपर इन एटम, अंदर की साइड होते हैं, डीपर इन एटम। तो जब ये बहुत अंदर होंगे तो ये सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो यहाँ पर जो इनका एंगुलर जो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसके अलावा ये क्या करती है, इसके अलावा ये अलॉय फॉर्म करती है, सेम जो डी ब्लॉक, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अलॉय फॉर्म करती है, अलॉय फॉर्म में जैसे मिशमेटल बनाती है, मिशमेटल में क्या है, लैंथेनाइट जो 95% है, आयरन 5% है, और रिमेनिंग ट्रेस के फॉर्म में कार्बन बोरोन, इन सबसे मिलकर अलॉय बनाती है। तो इस तरीके से ये लैंथेनाइट है, आप एक बार पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।